हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में ही ग्राफिकल सिंबल्स की स्टडी कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड यानी BIS के अनुसार मींस BIS मींस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज किए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले सिंबल्स की आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला सिंबल है सर, इसमें बच्चों सबसे पहला सिंबल है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग ठीक है। तो इसका सिंबल है बच्चों इस प्रकार मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस। अगर विदाउट स्विचेस का अगर हमको सिंबल दिखाना है फ्यूज बोर्ड का, तो ये इस यहाँ सिंबल से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा सिंबल है मेन फ्यूज बोर्ड स्विचेस के साथ मीन्स मेन फ्यूज बोर्ड With switches, ये किसके लिए है बच्चों? Lighting के लिए, ठीक है बच्चों, किसके लिए? Lighting के लिए अगर हमको सिंबल दिखाना है कि वो switches के साथ है, किसके साथ है? Switches लगी हुई है अगर बोर्ड में, और हमको सिंबल बताना है लेआउट में, वायरिंग लेआउट में, इस प्रकार से उसका सिंबल प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, मेन फ्यूज विद स्विचेस, पहले हमने जो देखे थे वो विदाउट स्विचेस थी, अभी जो फ्यूज मेन फ्यूज बोर्ड देख रहे हैं वो विद स्विचेस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस, ठीक है, विदाउट स्विचेस बच्चों, ये किसके लिए है? पावर वायरिंग होती है उसके लिए। इसका सिंबल है इस प्रकार से, आपको बॉक्स बनाना है रेक्टेंगुलर, उसके अंदर और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को पूरी तरीके से ब्लैक करना है, ठीक है। अगर ये सिंबल आपको लेआउट में दिखाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये पावर का स्विच फ्यूज बोर्ड है, लेकिन ये विदाउट स्विचेस है। इसका पावर का दो प्रकार के बोर्ड होते हैं, पावर और लाइटिंग बोर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस, ठीक है, विद स्विचेस, ठीक है, ये भी होगा बच्चों पावर के लिए, ठीक है। हमने एज इट इज बॉक्स बनाया बच्चों, ठीक है, इसके अंदर और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, और ये विद स्विचेस है, तो विद स्विचेस के लिए क्या करेंगे बच्चों? आपको अच्छी तरीके से पता है क्या करेंगे, इसको पूरा ब्लैक करेंगे, राइट। ये सीए सिंबल से क्या प्रदर्शित होगा बच्चों? मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस पावर के लिए यह सिंबल प्रदर्शित किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ स्विचेस, ठीक है, विथ स्विचेस। ये है बच्चों लाइटिंग के लिए, किसके लिए, लाइटिंग के लिए, ठीक बच्चों। अभी हमने इसके पहले जो देखा था वो फ्यूज बोर्ड के लिए, अब ये किसके लिए है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। तो विद बिना मींस विदाउट स्विचेस है, सॉरी विद नहीं, विदाउट स्विचेस, राइट, विदाउट स्विचेस, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए भी उसी प्रकार से बना रहा, उसमें क्या किए थे हमने, पूरा ब्लैक किए थे, इसमें ब्लैक नहीं करना है बच्चों, इसमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग इस प्रकार से दिखाना है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ गए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग के लिए इस पद्धति से आपको सिंबल प्रदर्शित करना है, या लेआउट स्टडी करते हो अगर ऐसा दिया है तो आप समझ जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बिना स्विच से सॉल्व किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विचों के बिना, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विचेस, विदाउट स्विचेस, ये बच्चों किसके लिए है, पावर के लिए, ठीक है। अब पावर के लिए है बच्चों तो क्या करेंगे हम, एक बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर, ठीक है, उसके अंदर और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है, समझ गए आपको, उसके अंदर और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में बच्चों प्रकार से हम दर्शाएंगे, तो ये क्या होगा, पावर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विचेस, ठीक है बच्चों, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस सभी सिंबल्स को रजिस्टर में लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस, ठीक है बच्चों। तो विथ स्विचेस के लिए लाइटिंग के लिए, ठीक है, लाइटिंग रूम के लिए, ठीक है, क्या सिंबल होगा बच्चों लाइटिंग के लिए, इसी प्रकार से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों विद स्विचेस लाइटिंग के लिए, क्या हो जाएगा विद स्विचेस लाइटिंग के लिए, ठीक है बच्चों, ये उतार दिया आपने। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेस पावर के लिए, ठीक है, किसके लिए, पावर के लिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे बच्चों, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, अब विद स्विचेस दर्शाना है, क्या दर्शाएंगे बच्चों, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, ठीक है बच्चों, ठीक है, उतार दिया आपने। इसके बाद मेन स्विच क्या दर्शाता है बच्चों, उनको मेन स्विच दर्शाता है, मेन स्विच लाइटिंग के लिए, मेन स्विच लाइटिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। अब ये मेन स्विच लाइटिंग के लिए दर्शाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों, ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित करेंगे और यहाँ लिखेंगे एल, तो ये क्या हो जाएगा, मेन स्विच बोर्ड, जो मेन स्विच बोर्ड होता है लाइटिंग के लिए उसका सिंबल, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेन स्विच पावर, मेन स्विच पावर के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये तो लाइटिंग था, मेन स्विच पावर, ठीक है, इसके लिए क्या दर्शाएंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम पी पावर, क्या लिखेंगे, पावर, ठीक है, समझ गए बच्चे, मेन स्विच पावर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है बच्चों चेंज ओवर स्विच, कौन सी स्विच, चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर स्विच, ठीक है, चेंज ओवर स्विच, ठीक है, चेंज ओवर स्विच के लिए क्या दर्शाएंगे बच्चों, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये किसके लिए बच्चों, ये किसके लिए बनाएंगे हम, चेंज ओवर स्विच, कौन सी, अच्छे से लिखो ना, चेंज ओवर स्विच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मीटर, नेक्स्ट है बच्चों मीटर, मीटर अगर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे बच्चों, ऐसे बॉक्स बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा बच्चों, मीटर, इसको कहेंगे बच्चों हम मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है पेंडेंट लाइट, क्या होगा बच्चों, पेंडेंट, पेंडेंट लाइट, ठीक है, पेंडेंट लाइट, लाइट को दर्शाना है बच्चों तो कैसे दर्शाएंगे, पी से, कैसे दर्शाएंगे, पी से, ठीक है। उसके बाद है पेंडेंट लाइट काउंटर लोड, पेंडेंट, पेंडेंट लाइट काउंटर, काउंटर लोड, ठीक है, इसके लिए सर्कल बनाना है और यहाँ सी डब्ल्यू लिखना है, इसका मतलब होगा ये काउंटर लोड के लिए, ठीक है। उसके बाद है पेंडेंट रॉड, उसके बाद बनाएंगे बच्चों हम पेंडेंट, पेंडेंट रॉड, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे बच्चों यहाँ पे पहले किस सर्कल में आ, ठीक है, ये सारे डीआई का सिंबल हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इन सारे सिंबल्स को अपने रजिस्टर में उतारिए और इसकी स्टडी कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपको आने चाहिए। उसके बाद है बच्चों पेंडेंट चैन, पेंडेंट चैन, ठीक है, इसके लिए भी आपको सर्कल बनाना है बच्चों, यहाँ लिखना सी, तो ये किसका होगा बच्चों, पेंडेंट चैन का, ठीक है। उसके बाद लाइट ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट लाइट, ऐसे ब्रैकेट लाइट, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट लाइन कैसे बनाएंगे, ऐसे ही सर्कल बनाएंगे हम, सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और इस पद्धति से दिखाएंगे, तो ये किसका सिंबल होगा बच्चों, ब्रैकेट लाइन, इसका सिंबल होगा ये ब्रैकेट लाइन, बैटन क्लैंप होल्डर, नेक्स्ट पता था दिखाना है बच्चों, बैटन क्लैंप होल्डर, बैटन, बैटन लैंप होल्डर, बच्चों पैटर्न लैंप होल्डर, ऐसे ही हम एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ दिखाएंगे बी, तो इसका मतलब होगा ये पैटेंट लैंप होल्डर का सिंबल है, ठीक है, उतार लिया आपने। उसके बाद है स्विच, उसके बाद आएगी स्विच, ठीक है बच्चों, इसके बाद आएगी स्विच, ठीक है बच्चों, स्विच के लिए, स्विच एक ऐसा गोल डॉट बनाएंगे हम, ये क्या कहलाएगा बच्चों, स्विच कहलाएगा, ठीक है, एक गोल डॉट बनाना है आपको, ये क्या कहलाएगा बच्चों, स्विच, ठीक है। उसके बाद एक तरफा वन वे स्विच, अब ये स्विच, स्विच एक डॉट बनाएंगे तो ये कहलाएगा स्विच, ठीक है, एक साइन है ये स्विच की, एक साइन है स्विच, ठीक है। अब इसको बच्चों वन वे स्विच बनाना है, कौन सी, वन वे स्विच,
वन वे स्विच बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक इस डॉट से एक लाइन को खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगी बच्चों, वन वे स्विच बन जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएंगे बच्चों, ये वन वे स्विच। उसके बाद है बच्चों टू वे स्विच, कौन सी टू वे स्विच। ठीक है, अब बच्चों टू वे स्विच को कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से एक यहाँ से एक, बच्चों दिख रहा है आपको ये टू वे बन रहा है, डॉट है। ठीक है, ये सिंबल है बच्चों टू वे स्विच का, किसका टू वे स्विच का। उसके बाद पेंडेंट स्विच, उसके बाद पेंडेंट स्विच। ठीक है, पेंडेंट स्विच भी कैसे बनाएंगे बच्चों, डॉट बनाएंगे और डॉट बनाने के बाद इसको भी एक तो ये हो जाएगी पेंडेंट स्विच। ठीक है बच्चों, पेंडेंट स्विच। उसके बाद पुल, उसके बाद पुल स्विच, क्या आएंगे बच्चों पुल स्विच। ठीक है, पुल स्विच का सिंबल बच्चों यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे। ठीक है, डॉट बनाने का एक लाइन ऊपर जाएंगी और ये नीचे की तरफ यहाँ बनाएंगे एरो, क्या बनाएंगे बच्चों एरो। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, पुल स्विच हो जाएगी, कौन सी स्विच होगी पुल स्विच। उसके बाद है पुश बटन स्विच, उसके बाद आएंगे बच्चों पुश बटन स्विच। ठीक है, पुश बच्चा बटन स्विच को कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे एक की बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, पुश बटन स्विच, क्या कहलाएंगे पुश बटन स्विच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल बच्चों डीआईएस सिंबल, उसके बाद है ऑन स्विच, उसके बाद हमको बनाना है बच्चों ऑन स्विच। ऑन स्विच कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे डी बनाना है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे बच्चों ऑन स्विच, क्या कहलाएंगे ऑन स्विच। उसके बाद के नेक्स्ट है ऑफ स्विच, ऑफ स्विच ये ऑन थी, अब ऑफ बनाना है तो क्या करेंगे बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों ऑन हो गए, यानी मींस ऑफ स्विच हो गए, क्या हो गई ये ऑफ स्विच है और ये ऑन स्विच है। ठीक है, उसके बाद है इंटरमीडिएट स्विच, उसके बाद हम इंटरमीडिएट स्विच देखेंगे, इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इसके लिए भी एक डॉट बनाएंगे बच्चों, इसके लिए भी हम ऐसे टू वे बनाएंगे और एक सेंटर से, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों इंटरमीडिएट स्विच, क्या कहलाएंगे इंटरमीडिएट स्विच। उसके बाद टू पिन सॉकेट, उसके बाद बनाएंगे बच्चों हम टू पिन सॉकेट, टू पिन की सॉकेट। कितने एम्पीयर के लिए बच्चों, ये 6 एम्पीयर है, कितने एम्पीयर के लिए 6 एम्पीयर के। ठीक है, कैसे बनाएंगे बच्चों इसको, टू पिन सॉकेट इसको बनाएंगे बच्चों हम ऐसा की बनाएंगे इसके अंदर और एक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे दो लाइन देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा बच्चों टू पिन सॉकेट, क्या कहलाएगा ये टू पिन सॉकेट। ठीक है, अभी हम बच्चों सॉकेट आउटलेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सॉकेट आउटलेट, सॉकेट आउटलेट। ठीक है, सॉकेट आउटलेट बच्चों 6 एम्पीयर के लिए ही कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से डी बनाएंगे। ठीक है, और डी बनाने के बाद यहां से ऐसा बनाया है ना, डी बनाया और ये ऐसे दो लाइन बनाए, क्या कहलाएंगे बच्चों ये
सॉकेट आउटलेट, जो आउटलेट लगाते हैं उसको कहते हैं हम सॉकेट का आउटलेट, ठीक है। उसके बाद सॉकेट आउटलेट विद स्विच, क्या बनाना है बच्चों, सॉकेट आउटलेट विद स्विच, ठीक है। आप लोगों को पता है सॉकेट आउटलेट, ठीक है। स्विच के लिए यहाँ एक डॉट बनाना पड़ेगा गोल, ठीक है, ठीक है, डॉट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, सॉकेट आउटलेट विद स्विच, स्विच के साथ, ठीक है। उसके बाद सॉकेट आउटलेट थ्री पिन, अब क्या बनाएंगे, अभी हमने दो पिन देखे थे, सॉकेट आउटलेट, सॉकेट आउटलेट टू पिन, कितने एम्पियर के लिए बच्चों, 16 एम्पियर के लिए। क्या सिंबल होगा बच्चों इसका, सॉकेट आउटलेट थ्री पिन है, सॉरी थ्री पिन, ठीक है। सॉकेट आउटलेट थ्री पिन 6 एम्पियर के लिए, 6 एम्पियर के लिए ऐसे बनाएंगे बच्चों, डी, ठीक है, ये डी के अंदर और एक डी बराबर है, और एक आएगा ठीक है, सॉकेट आउटलेट विद स्विच, बच्चों यहाँ पे विद स्विच बोल रहा तो यहाँ पे स्विच देंगे, राइट, यहाँ पे ये हो गया सॉकेट आउटलेट, ठीक है, 16 एमपी, ठीक है। उसके बाद फैन, ठीक है, ये बात बच्चों हम सीलिंग फैन का सिंबल देखते हैं, सीलिंग फैन, ठीक है, सीलिंग फैन का सिंबल इस प्रकार से बनाना है बच्चों, ये है सीलिंग फैन का सिंबल। उसके बाद ब्रैकेट फैन, उसके बाद बनाना है बच्चों ब्रैकेट फैन, ब्रैकेट फैन, ठीक है, ब्रैकेट फैन का सिंबल ऐसा, इसको खड़े भी बनाना है बच्चों और ऐसा बनाना है, ये क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट फैन। उसके बाद एग्जॉस्ट फैन, उसके बाद बनाएंगे बच्चों एग्जॉस्ट फैन का सिंबल, एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन का सिंबल बच्चों ऐसे गोल बनाएंगे, ये हो गया बच्चों एग्जॉस्ट फैन का सिंबल, इसका एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल बनाएंगे, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल ठीक है, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल, बेल स्विच, इसके बाद बनाएंगे बच्चों बेल स्विच, बेल स्विच, ठीक है, बेल स्विच का सिंबल स्क्वायर बॉक्स बनाना है और यहाँ पे एक डॉट बनाना है, ये क्या होगा बच्चों, बेल स्विच का सिंबल होगा, बेल स्विच, बेल स्विच का सिंबल, ठीक है, बेल स्विच, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट है बजर, बजर, बजर का सिंबल बच्चों,
उल्टा बनाना है बच्चों, बेल से उल्टा बनाते हैं। क्या होगा बच्चों? बजर का सिंबल, उसके बाद रिले, रिले का सिंबल बनाएंगे बच्चों हम। ये हो गया बच्चों रिले, राइट, ऐसा नाम बनाते हैं बच्चों, यहाँ से कनेक्ट करते हैं, राइट। ये हो गया बच्चों रिले का सिंबल, किसका सिंबल है ये? रिले का। उसके बाद है इंडिकेटर, उसके बाद इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर का सिंबल बनाएंगे बच्चों बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बच्चों इंडिकेटर का सिंबल, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे बच्चों फॉल्ट का सिंबल, फॉल्ट, ठीक है। अब फॉल्ट कैसे दिखाते हैं बच्चों? इस प्रकार से बच्चों हम फॉल्ट का सिंबल बनाते हैं, ठीक है। एरो दिख रहा है, ऐसा अगर यहाँ पे दिखता है आपका सिंबल, इसका मतलब कि वहां पे क्या है? फॉल्ट है, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक कोर, अब मैग्नेटिक कोर का सिंबल बनाना है, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर का सिंबल बच्चों से बनाना है वो, इसको पूरा करना है, ये कहलाएगा बच्चों मैग्नेटिक कोर। उसके बाद लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर, ठीक है। लैमिनेटेड कोर में लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर का सिंबल बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे सी टू लाइन देना पड़ेगा, ये कहलाएगा बच्चों लैमिनेटेड कोर, ठीक है। उसके बाद वॉल फैंस, ठीक है, वॉल फैंस, वॉल फैंस, वॉल फैन, राइट। वॉल फैन के लिए बनाएंगे बच्चों हम, ये कहलाएगा बच्चों सॉरी बच्चों वॉल लैम्प, वॉल लैम्प, ठीक है बच्चों। आगे के जो और इससे रिलेटेड सिंबल्स है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है, हम आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियो में हम उसको देखेंगे। आज इतना ही, जितने भी हम सिंबल को यहाँ पे पढ़ चुके हैं उसे आप स्टडी कीजिए, ठीक है।